द मैजिक गार्डन द मैजिक गार्डन वाजीना स्कूल प्ले ग्राउंड मैजिक गार्डन कहाँ पर था एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में था इट वॉज वेरी प्रटी व बहुत सुंदर था सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल जो सनफ्लावर जो सनफ्लावर के फूल थे और रोज़ के फूल थे वो क्या हो रहे थे वो वॉल के वॉल की तरफ ऊपर ऊंचे उठ रहे थे बढ़ रहे थे देर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स वहाँ पर मैरीगोल्ड्स के फूल भी थे पॉपीज एंड पेंजीज और पेंजीज के फूल भी थे द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सैन हैप्पीली जो सनशाइन यानी सूरज की किरणें थी वो उस गार्डन पर पड़ रही थी और फ्लावर्स ऐसा लग रहा था जब वो किरने पड़ रही थी कि जैसे फ्लावर डांस कर रहे हैं एंड सेंगे हैप्पीली और वो गाना गा रहे हैं ऐसा लग रहा था कि सूरज की रोशनी से वो जो फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं खुशी खुशी गाना गा रहे हैं दे सैड टू वन एंड वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स हम क्या है? छोट -छोटे हैं छोटे छोटे लिटिल गार्डनर्स हैं हंड्रेड्स हंड्रेड की संख्या में है देव आर द चिल्ड्रन कौन थे वो देव आर द चिल्ड्रन वो कौन थे बच्चे थे फ्रॉम द स्कूल उस स्कूल के वो बच्चे थे जो कि नन्हे नन्हे गार्डनर्स थे वंस अन मॉर्निंग एक ऐसी मॉर्निंग जब सूरज बहुत अच्छी किरणें दे रहा था द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स फ्लावर्स किससे बातें कर रहे थे टॉकिंग मीन्स बातें कर रहे थे किससे बातें कर रहे थे बर्ड्स के साथ बातें कर रहे थे आई लव ऑल द चिल्ड्रन क्या बात कर रहे थे वो आई लव ऑल द चिल्ड्रन कि हमको बच्चे बहुत पसंद है हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं बट आई लव द डियर लिटिल वंस लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं सेड अ पॉपी पॉपी का जो फ्लावर था उसने बोला आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस जब वो हम पे क्या करते हैं अपनी केन से वाटरिंग केन से हम पे पानी देते हैं एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स और हमारी जो प्यासी रूट्स हैं जड़े हैं उनको जब वो पानी देते हैं तो हमको वो बहुत प्यारे लगते हैं कौन प्यारे लगते हैं वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जब वो हमें पानी देते हैं यस सेट द मैरीगोल्ड्स और मैरीगोल्ड्स ने क्या जवाब दिया यस हाँ द बॉयज़ आर गुड टू अस टू और जो ये बॉयज़ हैं लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं दे डिग द ग्राउंड सो वेल वो क्या करते हैं वो जो बच्चे हैं लड़की वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से डिग करते हैं डिग करते हैं मतलब खोदते हैं बहुत अच्छे से वी लव दिल द लिटिल चिल्ड्रन सैड अ टिनी बर्ड वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सैड बर्ड एक छोटी सी टिनी बर्ड छोटी सी बर्ड ने कहा बोला कि वी लव हम प्यार करते हैं किससे प्यार करते हैं इन छोटे छुट छोटे बच्चों से प्यार करते हैं दे आर काइंड वो बहुत दयालु हैं एंड दे ब्रिंग ब्रेड और वो हमको खाने के लिए रोटी या ब्रेड ऐसी चीज़ें हमको खाने के लिए देते हैं ऑल द फ्लावर सेट जितने भी फ्लावर्स थे उन्होंने बोला वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसिज वेरी प्रैटी हमको क्या करना चाहिए बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए क्यों करना चाहिए मेक अवर ड्रेसिस जिससे कि हम क्या लगें प्रैटी लगें फॉर द चिल्ड्रंस विल बी हेयर स्टून और जो बच्चे हमको जब देखें तो हम उनको कैसे लगें प्रैटी लगें सुंदर लगें द सन सैड सूरज ने बोला आई विल हेल्प यू ऑल्सो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा मदद करूँगा फॉर नथिंग प्लीज़ मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन क्योंकि मुझे क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे भागते हैं इस जब सूरज की स्वर्णिम किरणें पड़ती हैं और बच्चे उसमें भागते हुए है, खेलते हैं तो मुझे वो बच्चे उस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग अचानक से क्या होता है बच्चे आते हैं भागते हुए और वो बच्चे क्या कर रहे हैं लाफिंग एंड सिंगिंग वो बच्चे हंस रहे हैं और गा रहे हैं एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम और फ्लावर्स अपना जो सॉन्ग गा रहे थे वो अपने उस सॉन्ग को स्टॉप कर देते हैं रोक देते हैं क्यों क्योंकि वो बच्चों का सॉन्ग सुनना चाहते थे उनको सुनना चाहते थे ओह लुक एट द टॉल सन फ्लावर तो सेड वन चिल वन चाइल्ड एक बच्चा क्या बोलता है ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर देखो उस बड़े से सनफ्लावर को देखो एंड द सनफ्लावर लिफ्टिड इट्स हैड वेरी प्राउडली और जब वो बच्चे इस तरह से बोलता है तो सनफ्लावर क्या करता है अपने हेड को और ऊंचा उठा लेता है प्राउडली गर्व से क्योंकि उस बच्चे को वो बहुत पसंद आया था देखकर वो बोलता है कि कितना बड़ा सन फ्लावर है अनादर चाइल्ड सेड इसी तरह दूसरा बिच्चा भी बोलता है आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस लेकिन मुझे तो मैरी गोल्ड का जो फ्लावर है गोल्डन ड्रेस में वो बहुत प्यारा लग रहा है द मैरी गोल्ड स्माइल हैप्पीली अभी क्या होता है मैरी गोल्ड भी स्माइल करता है खुश हो जाता है इट वॉज इन डीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू ये सचमुच क्या है एक मैजिक गार्डन है क्यों क्योंकि वहाँ पर फेरीज भी हैं दे डांसड वो डांस करती हैं एंड सेंग स्वीट और प्यारा सा मीठा सा गाना गाती हैं विच ओनली द चिल्ड्रेन कूड हियर जिसको सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकते हैं सिर्फ बच्चे सुन सकते हैं आफ्टर अ टाइम द फेरीज के एम आउट कुछ समय बाद क्या होता है फेरीज़ ये फेरीज़ यानी कि परियाँ आती हैं डांसिंग डांस करती हैं एंड टॉक विज द चिल्ड्रन और बच्चों के साथ बातें करती हैं टॉक मीन्स बातें करती हैं देयर ड्रेस उनकी ड्रेस कैसी है वर मेड ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स से बनी हुई हैं एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन और उनके विंग्स जो बने हैं विंग्स मीन्स पंख जो बने हैं वो किससे बने हैं सनशाइन यानी सूरज की रोशनी से बने हुए हैं द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट लेकिन रात के वक्त क्या होता है वो मैजिक गार्डन बिल्कुल क्वाइट शांत होता है द फ्लावर्स एंड बर्ड्स फॉर एस्लिप फ्लावर्स और जो बर्ड्स होती हैं वो सब सो जाते हैं एंड ड्रीमिंग और सपना देखते हैं ऑफ़ द नेक्स्ट डे दूसरे दिन अगले दिन के लिए वेन द चिल्ड्रंस की अगले दिन जो चिल्ड्रेन है जो बच्चे हैं वुड कम अगेन वो फिर से वहाँ पर आएंगे अडाप्टेड फ्राम द फेरी गार्डन बाई मैग मारग्रेट एच बोल्टन कौन है इसके पोए पोएट इस चैप्टर के बाय सॉरी पोएट नहीं राइटर मार्गरेट एच बोल्टन